सूखे चना का हम निमोना बना रहे हैं, तो आपको लहसुन चाहिए, मिर्चा चाहिए, धनिया चाहिए, उसको अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। फिर आलू आप काट लीजिएगा। आलू काटने के बाद तेल दीजिएगा। तेल देने के बाद मेथी का तड़का लगाइएगा, आलू भून के निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप जो चना पीसे हैं उसको, चनों को खूब अच्छी तरीके से भून लीजिए। उसमें जो मसाला पीसे हैं वो भी डाल के भून लीजिए। हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा और आप ग्रेवी जितना बनाना चाहते हैं ग्रेवी बना दीजिएगा, और स्वाद अनुसार नमक बनाकर देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। आप लोग को अच्छा लगेगा इस तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।